आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे क्या? 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और पहले दौर की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम गया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, भारत माता की। इस फेस के लिए किश्तवाड़ में आज अमित शाह ने रैली की। नब्बे की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। जितने लोगों को आने की इच्छा हो, कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। शनिवार को डोडा में पीएम प्रचार के लिए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फेज के लिए मुख्य प्लेयर है और पार्टी घाटी में जीत के दावे कर रही है। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है, यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 20-30 हजार वोट बीजेपी को मिलेंगे। 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 16 सीटें घाटी की हैं, जबकि 8 सीटें जम्मू रीजन की हैं। कुल 219 उम्मीदवार पहले फेज के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। घाटी का इलाका कभी महबूबा का गढ़ माना जाता था। यहाँ बीच बहरा सीट से इस बार महबूबा की बेटी इल्तिजा उम्मीदवार हैं, जिनकी वजह से ये सीट वीआईपी बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है, उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले, यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिविजन नहीं होता। 10 साल बाद हो रहे इस चुनाव में घाटी की सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। इंजीनियर रशीद की एआईपी और अपनी पार्टी भी इस इलाके में चुनाव लड़ रही है। इसके बाद 2 फेज में और चुनाव होंगे, नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.